हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे अडानी पावर की। तो चलिए दोस्तों, जो रिजल्ट आया उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि आखिर ऐसा रिजल्ट क्यों है और आगे की स्ट्रेटजी आपको कैसी अपनानी है, वो भी मैं इसमें बताऊँगा। तो यहाँ पर जो इनका सब्सिडी है, ये सारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्विजिशन है, जो और भी जैसे कि डीवी पावर का है वो यहाँ पे अभी तक जुड़ा नहीं है। आपको नेक्स्ट क्वार्टर में वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे दोस्तों जो रिजल्ट है, इसमें देखिए टोटल जो इनकम है पिछले साल से कंपेयर करें, जो 5593 जो भी मैं फिगर बता रहा हूँ दोस्तों, वो करोड़ में है, जो कि पिछले साल जो फिगर 5593 पे था वो इस बार 8290 पे है। हालांकि पिछले क्वार्टर में कंपेयर करेंगे तो वो 8445 रहा था। और यहाँ पे अगर आप टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आया। पिछले क्वार्टर में जो 7747 था, इस बार 8078 था। ये इस कारण से भी है क्योंकि वहाँ पे फ्यूल कॉस्ट था, जो कोल का प्राइसेस था, काफ़ी हाई था और वो काफ़ी इम्पैक्ट किया यहाँ पे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आपको देखेगा जो 8.77 है। और अगर पिछले साल की बात करें जो 218 था, पिछले क्वार्टर में वो 695 पे था। तो यहाँ पे जो क्वार्टर में इनका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस है वो बढ़ता हुआ नज़र आया। पिछले साल जो -13.26 था, वो इस बार 193 है। तो वहाँ पे देख सकते हैं कितना 180 करोड़ का ज़्यादा यहाँ पे उससे भी ज़्यादा का नुकसान यहाँ पे हो रहा है टैक्स के रिलेटेड बात करें तो। लेकिन यहाँ पे वन टाइम का है इस बार का, और वो आप देखेंगे तो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में आपको नज़र आया कि जो पिछले साल 233 पे था, पिछले क्वार्टर में 677 पे था, इस बार -24.87 है। तो यानी अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 8.77 रहा है पिछले साल के मुकाबले, 218 करोड़ के मुकाबले, जिसके कारण से EPS में आपको दोस्तों काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वापस से वहाँ पे -0.81 पे है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि इनका रिवेन्यू में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, और जिस तरीके से अभी जो सिनेरियो वहाँ से देखिए, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो टोटल रिवेन्यू है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए 5360 से इनक्रीज होकर 7764 पे है। तो यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी ने। और यहाँ पे मैं और देखेंगे कि किस तरीके का इसका स्टैंडर्ड बेसिस पे रहा है परफॉर्मेंस। तो स्टैंडर्ड बेसिस पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे तो सीधा लॉस है दोस्तों, जो पिछले साल -47 पे था, पिछले क्वार्टर में -51 पे था, इस बार -109 पे। तो वहाँ पे फिर से अप टू मार्क नहीं है। हालांकि यहाँ पर हाई फ्यूल के कॉस्ट के कारण यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। और ये इंडिया की अगर प्राइवेट पावर कंपनी में बात करें तो सबसे बड़ी पावर कंपनी है। तो यहाँ पर और भी नए नए एक्विजिशंस हो रहे हैं, जिसके कारण से इनका और भी इनका रिवेन्यू और भी आपको ऐड होता हुआ दिखेगा। और प्रॉफिट मेकिंग तो है ही, जैसे समर में डिमांड होगा तो वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग बनेगी, ऐसा कोई फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कुछ हाइलाइट्स हैं तो देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को भी मिलेगा कि जो टोटल रिवेन्यू है आप 48% बढ़ा है, 8290 करोड़ पे है 5594 से। तो यहाँ पे और अगर यहाँ देखेंगे कि एबिटा, तो एबिटा 1996 पे जो 2003 करोड़ पर था। तो यहाँ पे जो हायर फ्यूल कॉस्ट है उसके कारण से इम्पैक्ट हुआ है, जिसके कारण से वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों अभी के करंट सिनेरियो में आप देखेंगे वहाँ से इस बार का फ्यूल का प्राइसेस भी कम हुआ है और डिमांड भी धीरे धीरे आपको अब पिकअप होता हुआ नजर आएगा। जैसे समर सीजन धीरे धीरे आ रही है, वहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगा। और अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है तो पावर कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, वो यहाँ पर साफ साफ सबको मालूम है। और इसके कारण से उसमें इतनी बड़ी तेज़ी भी आई थी इसके शेयर प्राइस में, आज के दिन भी अपर सर्किट में हुआ है। देखते हैं कल का क्या होता है, उसके हिसाब से आगे की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। हालांकि यहाँ पे लोअर लेवल में बिल्कुल ऐड करके चलना है, क्योंकि जब इसमें मूवमेंट आता है तो एक तरफा मूवमेंट आता है। तो दोस्तों ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। और अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल शेयर करता हूं, मार्केट मूवमेंट भी प्रेडिक्ट करता हूं। दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।